नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। भरवेली में 33 वर्षीय व्यक्ति की हत्या, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। जी हां, जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर थाना भरवेली क्षेत्र में हुई एक 33 वर्षीय व्यक्ति छोटू मद्रासी की हत्या ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि छोटू मद्रासी भरवेली निवासी हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, मोहल्ले में ही 10 मई को रात्रि में किसी के घर पे सोया था, तभी अचानक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिस पर पड़ोसी ने 100 नंबर को कॉल करके जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तफ्तीश जारी की। अच्छा, कैसी क्या जानकारी थी? मेरे को फ़ोन आया, मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर था। फ़ोन आया 11:30 बजे करीब, किसी ने मार दिया करके, उसको बाहर सोया हुआ था। तो कहाँ पर मारा? हमारे मोहल्ले में पीछे बुद्धि भाई के आंगन में सोया था बाहर, तो उसको किसी ने आके मार दिया। तो फिर सब लोग दौड़े और उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसको गोलियाँ ले जाकर हो गई, गोलियाँ ले जाते समय रास्ते में ध्यान हो गया। अच्छा, कौन है जिनने मारा? आपसे की रंजिश वाले लोग लगते हैं मेरे को, अपने मोहल्ले में जिनने काम किया। तो पुलिस ने किसी को? पुलिस ने बहुत से लोगों को उठा लिया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या नाम आपका? रवि कुमार श्रीवास्तव। छोटू मद्रासी बाहर सोया था बोलते हैं, तो बाहर सोया था तो उसको किसी अन्य व्यक्ति ने आके मारे। अब वो कौन व्यक्ति थे ये तो नहीं मालूम, उसको मारे तो वो तारो हमारे घर में आया और मेरे को उठा के ले गया। उतने मैंने रवि रघुवंशी को फ़ोन लगाया 11:42 मिनट पर। 11:42 मिनट पर मैंने फ़ोन लगाया, उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन लगाया 11:45 मिनट पर। तो उसको जब लेके जा रहे थे हम लोग सड़क के कने, तो वो नहर और तीन लोग मर बोला है, नहर और तीन लोग बस। सर उन्होंने नाम भी नहीं बताया? नाम नहीं बताया, बस नहर और तीन लोग बोला है बस। अच्छा, क्या लगता है जी? क्या लगता है? मेरे को तो वही लगता है नहर के ही तरफ के लोगों ने मारे होंगे, जब नहर तीन लोग बोल रहा है। कुछ रंजिश वगैरह थी क्या इन लोग की? नहीं नहीं सर। क्या नाम? जयपाल मस्कुल।